हाय गाइस, दिस इज़ अभिलाष। वेलकम बैक टू स्टडी के अभिलाषा। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आज। आज के वीडियो की शुरुआत में एक कहानी नहीं, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे शुरुआत करना चाहूँगा। बात मेरे सामने की है। मेरी कोचिंग क्लास में एक इंक्वायरी आई हुई थी। उस इंक्वायरी में एक हज़रत और उनका पूरा परिवार साथ आया था, उनका बच्चा भी साथ में था। तो जैसे रेगुलर एक प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, वो चल रहा था। उस दौरान जो फादर थे, उन्होंने अपने बच्चे के लिए कई बार उसको कंपेयर किया, कभी अपने रिलेटिव्स के बच्चे के साथ, कभी अपने फ्रेंड्स के बच्चे के साथ, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। मुझे वो सुन के अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा मैं कुछ कह दूं, लेकिन मैंने कहा कि अभी कहना सही नहीं होगा। मैं सुनता रहा। जब पानी सर के ऊपर निकल गया और मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं देख रहा था वो बच्चा एकदम डरा सहमा और मायूस सा सिकुड़ता ही जा रहा था, जैसे जैसे उसको बार बार कंपेयर किया जा रहा था। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और तभी मैंने बीच में इंटरप्ट करते हुए उनको बोला कि सर, बच्चा है, समय के साथ ग्रोथ हो जाएगी उसकी, कोई ज़रूरी नहीं कि लाइफ में सिर्फ पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा। तभी मेरा इस एजुकेशन लाइन में कुछ 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा सर, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के साथ हूँ, बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, पेरेंट्स के साथ हूँ, पेरेंट्स से जुड़ा हुआ हूँ, तो समय दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो वो उल्टा मुझे ही समझाने लगे, हालांकि अभी मेरा एक्सपीरियंस कुछ 14 सालों से ऊपर हो चुका है। तो वो उल्टा मुझे ही समझाने लगे। तो मैंने कहा, मैंने उनको सुना, काफ़ी देर तक मैंने सुना। उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे भी कुछ, मतलब एज अ टीचर मुझे भी कुछ चीज़ें बताई या समझाने की कोशिश किया। मैंने उसको दिल पे नहीं लगाया, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन का एंड मैंने एक ही लाइन बोल के किया था कि सर, कंपैरिजन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो आप हों, मैं हूँ या ये बच्चा हो। जिस दिन इस बच्चे ने कुछ पलट के ऐसा पूछ लिया, शायद उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर मैंने उनसे उनकी उम्र पूछी। उन्होंने उनकी उम्र बताई, कुछ 45 या 50 के बीच में बताई। तो मैंने कहा, अगर किसी दिन सर बच्चे ने पूछ लिया कि आपके ही उम्र के आसपास के सलमान खान, शाहरुख खान, अंबानी, ये सब हैं, इनकी इनकम कितनी है और आपकी कितनी है, तो क्या जवाब देंगे आप? तब शायद उन्हें मेरी बात समझ में आई। तब उन्हें लगा कि हाँ, हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, स्पेशली बच्चों के साथ। बच्चों को किसी से भी कंपेयर ना करें, हर बच्चे की अपनी अलग खासियत होती है, उनकी अलग स्पेशलिटी होती है। सो डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनी वन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किन्हीं भी हालातों में।